मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ और जिले में पदस्थ जनजाति कार्य विभाग में श्रेणी कर्मचारी द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में जिले के समस्त चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी जनजाति कार्य विभाग के कर्मचारी इस धरना आंदोलन में शामिल हुए। कलेक्टर और सहायक आयुक्त को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में 22/6/2019 को पत्र के माध्यम से जिले में पदस्थ आश्रम छात्रावास स्कूल में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी स्थायी कर्मी अंशकालीन कर्मचारियों को 10-12 माह से वेतन नहीं दिया गया, इस संबंध में पत्र लिखा गया था। पत्र में 10 दिवस की समय अवधि दी गई थी जो कि पूर्ण हो चुकी है। इस समय अवधि के दौरान ना ही कोई पत्राचार किया गया और ना ही किसी प्रकार की चर्चा के लिए बुलाया गया। इसीलिए मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ और जिले में पदस्थ जनजाति कार्य विभाग में श्रेणी कर्मचारियों द्वारा सहायक आयुक्त तो आदिवासी जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में जिले के समस्त चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी जनजाति कार्य विभाग के कर्मचारी इस धरना आंदोलन में शामिल हुए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, लघु वेतन कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? ना, मुख्य रूप से मांग थी इनके लंबित बकाया वेतन भुगतान को लेकर। हम लोगों ने इस वेतन भुगतान की मांग के संबंध में निरंतर पत्राचार करके बजट की मांग की हुई थी। चूँकि जिले को या ग्लोबल बैंक में कोई भी बजट आवंटन उपलब्ध ना होने से इनका वेतन भुगतान अभी लंबित है। और मैंने इनके सामने वरिष्ठ कार्यालय से दूरभाष पर चर्चा भी करी, जिसमें कि हम लोग को 15 दिन का आश्वासन दिया गया है कि जैसे बजट आएगा हम इनका भुगतान कर पाएंगे। सर, ये इनका एक आरोप है कि अलीराजपुर और खरगोन में नियमितीकरण कर दिया कोर्ट के आदेश के बाद, बड़वानी में नहीं पालन हो पा रहा है। ये चूँकि मामला माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन है और उसका जवाब भी हम लोग निरंतर दे रहे हैं, तो उसमें अभी कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। जो भी है नियम संघर्ष कर रहे हैं उसमें भी कर रहे हैं। समस्या ये है कि आठ महीने 10 महीने 12 महीने से इन लोगों कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है ना। कई बार इसके संबंध में विभाग को पत्राचार किया है, ना ही पत्राचार में कोई उसका पत्र का जवाब आया, ना ही किसी विषय में 10 दिन की अवधि दी थी 10 दिन पूर्व में कि इनका वेतन भुगतान किया जाए। तो 10 दिन के अंदर इन्होंने वेतन भुगतान नहीं किया, ना ही कोई पत्राचार किया, ना ही चर्चा के लिए बुलाया गया। इस 10 दिन के पीरियड खत्म होने के बाद में आज दिनांक को 4/7/2019 को धरना आंदोलन का जो ऐलान किया था वो धरना आंदोलन आज जारी है। कब तक रहेगा जारी? हमारी मांगे है जारी है। तो इसमें 3 प्रकार के कर्मचारी है, स्थायी कर्मी, अंशकालीन और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और कोर्ट केस वाले। कोर्ट केस वालों को कम से कम 24 महीने होंगे, एक उनको अभी तक वेतन भुगतान नहीं हो रहा। एम्प्लॉय डाटा की समस्या की वजह से उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। कुछ बजट के आवाज़ में बताते भुगतान नहीं हो रहा, जब भी आते हैं यही आश्वासन मिलता है। तो ये कब तक चलता रहेगा और कब तक ये आँख मिचोले के शासन प्रशासन आँख मिच के बैठा है? कम से कम इन कर्मचारियों की तरफ देखे, हमारी समस्या जो है मांग है उसका समाधान करें। कब तक रहेगा जारी प्रदर्शन? ये धरना आंदोलन अगर आज कुछ इसका निराकरण नहीं होता, समाधान नहीं होता, कोई जवाब नहीं मिलता, तो ये जारी रहेगा। अभी जा रहे हैं हम चर्चा के लिए, साहब क्या बोलते हैं इस हिसाब से चर्चा होगी, उसके बाद ही हम कुछ विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद में आगामी रणनीति जो भी बनेगी वो हम करेंगे।